हे hey, नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारा आपके चैनल पे एडमिक्स में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं वैक्सीनेशन के बारे में, क्योंकि वैक्सीनेशन सब पपीज़ को या फिर डॉग को देते हैं, बट उसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि उनको नहीं पता, तो उसके कारण कुछ गलती हो जाती है, तो उसके कारण पपी को प्रॉब्लम आ सकती है या फिर आपको भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसके रिगार्डिंग मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि न्यू पपी हो तो वैक्सीनेशन कब दे, या फिर बीच में अगर काटता है तो क्या प्रॉब्लम आती है, अगर आपको चोट लग जाती है, दांत लग जाता है तो क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए, ऐसे सारे क्वेश्चन इस वीडियो में आपको डिस्कस करने वाला हो। और उसके साथ साथ बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करके हमें सपोर्ट ज़रूर से कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात याद रखिएगा कि आप अगर नया पपी लेके आते हो, आपके पास न्यू पपी आप घर पे लाते हो, 2 या 4 दिन के बाद उसका वैक्सीनेशन आप ज़रूर से कंप्लीट करवाने के लिए डॉक्टर के पास ले जाइएगा। उससे क्या होगा कि उसको कुछ भी, जैसे कि बाहर की बीमारी हो गई या फिर जैसे पारवो वायरस हो गया या फिर ऐसे बहुत सारे बीमार होना, वॉमिटिंग होना या लूज़ मोशन होना, ऐसे जो है पपी के बॉडी के अंदर जल्दी से इन्फेक्शन लग सकता है। इसलिए उसका जितना जल्दी हो सके उतना वैक्सीनेशन आप करा दीजिएगा। जैसे आप घर पर लेके आते हो, आप डॉक्टर या फिर आपके नज़दीक में कोई भी वेट हो, उनको फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं कि हम लेके आए या नहीं ले आए। तो ऐसे में क्या होगा कि वो कभी कभार कोई डॉक्टर घर पे आके वैक्सीनेशन करा देता है, कोई कोई वहाँ जाके बुलाता है, तो वहाँ जाके भी आप करा सकते हैं। तो उसके जो है 4 डोज लगते हैं, तो 4 डोज आपको जो है गैप गैप में आपको देना पड़ता है। कोई कोई डॉक्टर 3 डोज में ही ख़त्म करता है, वो आप अपने डॉक्टर की राय लेके पूछ सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, जो एक इंजेक्शन का प्राइस वो 300 से लेकर 350 के बीच में होता है, तो वैसे आपको 4 इंजेक्शन लगवाने पड़ सकते हैं, तो टोटल मिला के 1300 या 1250 रुपये के आसपास जो है आपका ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद जो है आपको हर साल एक बार, जैसे कि आज आपने इंजेक्शन दिलवाया, अगले साल यही इसके 1-2 दिन या फिर 1-2 दिन बाद भी जो है आप जो इंजेक्शन डॉग को दिलवा सकते हैं, उसका प्राइस भी 1200-1250 के अराउंड होता है। वो एक ही इंजेक्शन आपको देना पड़ेगा, हर साल आपको एक एक इंजेक्शन देना ज़रूर से पड़ेगा। और अब बात करते हैं जैसे कि वैक्सीनेशन के दरमियान आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले अगर आप जब भी वैक्सीनेशन देके आते हो, तो अगर आपके पपी के साथ आपको ज़्यादा क्लोजली नहीं रहना है, नहीं तो क्या होगा, अगर वो बाय चांस किसी बच्चे को या फिर आपको अगर काटता है, तो ऐसे में तो उसको 60 डे तक कोई भी रेबीज अंदर नहीं आता दांतों के अंदर। बट अगर आपको वो काट डालता है या फिर बाय चांस लग जाता है उसके नाखून या फिर उसके दांत आपके इधर लग जाते हैं, वहाँ से ब्लडिंग चालू हो जाता है, तो आपको जो है डॉक्टर के पास जाके इंजेक्शन लेने पड़ सकते हैं। अगर थोड़ा भी लग जाता है, खरोच भी लगता है, तो भी आपको जो है इंजेक्शन लेना पड़ सकते हैं। तो इस बात का आपको ज़रूर से ध्यान देना है कि जब तक उसका वैक्सीनेशन पूरी तरह से सारे इंजेक्शन के डोज नहीं लग जाते, तब तक उसके साथ ज़्यादा क्लोजली आपको ज़्यादा नहीं जाना, इतना ज़्यादा नहीं खेलना ताकि उसके दांत आपके जो कहीं भी लग जाए या फिर स्क्रैचेस आ जाए, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी जो नेक्स्ट जो आपको याद रखना है वो कि बाहर नहीं ले जाना और किसी और डॉग के साथ उसको जल्दी से सोशलाइज नहीं करना है जब तक उसका वैक्सीनेशन कंप्लीट ना हो जाए। क्योंकि क्या होता है, कभी कभार कोई भी पपीस हो गए या फिर आपके आस पड़ोस में कोई पपी, उसके साथ आप खेलने के लिए ले जाते हो, उसके साथ अगर वो सामने वाला पपी वैक्सीनेट नहीं होता है और उसको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जुकाम आती है, जैसे कि सर्दी वगैरह हो गया, तो आपके डॉग को भी वो चेप लग सकता है, उसके कारण आपका डॉग भी जो है बीमार पड़ सकता है, उसको भी फिर बुखार वगैरह हो गया, फिर लूज़ मोशन, खाना ना खाना, ऐसी सारी चीज़ें सकती है। और ऐसे भी जब तक वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक आपको घर के बाहर भी उसको नहीं ले जाना है। हाँ, हालांकि आपको थोड़ा बहुत छत पे ले जा सकते हैं, बट घर के बाहर आपको बिल्कुल नहीं ले जाना। भले वो पोटी वगैरह, टॉयलेट वगैरह घर पे करे, वो थोड़े दिन के लिए रहेगा, बट उसका वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाने के बाद फिर आप जो है उसको फ्रीली बाहर ले जा सकते हैं। और मोस्ट ऑफली लोग क्या करते हैं कि गलती क्या करते हैं, वैक्सीनेशन नहीं कराते, वो ऐसा उनको ऐसा लगता है कि 2 महीने बाद करा दूँ या फिर 1.5 महीने बाद करा दूँ, तो उसमें क्या होता है, उसको पारवो वायरस या फिर ऐसे बहुत सारे वायरस होते हैं, उसके कारण जो डॉग की कभी कभार डेथ भी हो जाती है, पपी जल्दी जो है मर भी जाता है। तो ऐसे बहुत सारे जो है वायरस आते हैं जो डॉग को या पपीज़ को, न्यू पपीज़ को जल्दी से हो जाते हैं, क्योंकि इनकी ब्रीड अलग अलग होती है, स्ट्रीट डॉग का पूरा अलग ही होता है पैटर्न, उनको ये सारे वायरस इतने ज़्यादा नहीं होते, जबकि आपकी जो कोई ब्रीड आप लाते हो बाहर से, तो उनको जल्दी से वो अटैप कर लेते हैं, उनकी बॉडी जो है जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेती है, उसके कारण जो है बुखार आना या फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ें पपीज़ के साथ होना चालू हो जाएगी। इसलिए वैक्सीनेशन आप ज़रूर से कंप्लीट कर दीजिएगा। और उसके साथ साथ जो डिवॉर्मिंग की जो सिरप भी आती है, अगर वो भी करा दे तो वो भी ज़्यादा बढ़िया रहेगा, बट वो कभी कभार डॉक्टर जो आपको सजेस्ट करते वैक्सीनेशन के बाद करा लो या फिर 15 दिन के बाद करा लो, तो आप डॉक्टर की राय लेकर ज़रूर से ध्यान रखिएगा कि कब आपको जो है डिवॉर्मिंग कराने है। डिवॉर्मिंग करेगा तो बहुत सारा बेनिफिट होगा, डॉग अच्छे से खा लेगा, उसकी ग्रोथ अच्छे से होगी, जो पेट में कुछ प्रॉब्लम वगैरह होगी वो नहीं होगी, आपका डॉग की जो लूज़ मोशन होता है या फिर कुछ वॉमिटिंग होगी, वैसी सारी चीज़ें भी आपके पपीज़ के साथ नहीं होगी, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है।
और आप में से बहुत सारे ऐसा लोग सोच रहे होगे कि वैक्सीनेशन नहीं कराओगे तो हमारे पैसे बच जाएंगे और हम नहीं कराते, बहुत सारे लोग नहीं कराते, तो ये आपकी गलत फहमी। आपको वैक्सीनेशन डेफिनेटली करवाना पड़ेगा। वैक्सीनेशन कराओगे तो किसी को कार्ड भी लेता है आपका डॉग तो भी उसको सामने वाले को भी कुछ नहीं होगा। जब तक वैक्सीनेशन कम्प्लीट हो जाने के बाद वो किसी को भी काटता है या बाइट करता है तो आपके पास प्रूफ रहेगा कि सामने वाले इंसान को कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं आ सकेगी। और आप अच्छी कंपनी चूज़ ज़रूर से कीजिएगा। कोई भी आप डॉक्टर के पास जाके आप जो भी वैक्सीनेशन दे रहे हो तो कंपनी आप बताइएगा कौन सी कंपनी अच्छी ब्रांडेड और अच्छी कंपनी आप चूज़ कीजिएगा। तो गाइस ये था वैक्सीनेशन के ऊपर टॉपिक। आशा करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो ज़रूर से वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। तो गाइस मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।